1912 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त जंग चल रही थी। अपनी आजादी के प्राथमिक अधिकार को पाने के लिए आम आदमी अंग्रेजों से दो दो हाथ करने निकल पड़ा था। करेंगे या मरेंगे, 40 कोट नहीं डरेंगे, इस हुंकार से सबके दिलों में सरफरोशी की तमन्ना चल रही थी। लेकिन ये युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाने वाला था दोस्तों। अंग्रेज सरकार काफी चालाक थी। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक घिनौनी चाल चली, डिवाइड एंड रूल। इस संकल्पना का उपयोग करते हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करनी शुरू कर दी। अगर देशवासी आपस में ही एक साथ नहीं हैं, तो वो बाहर वालों का प्रतिकार कैसे करेंगे। मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स के तहत अंग्रेज सरकार ने मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। अगर अंग्रेज इस चाल में सफल हो जाते तो समझो कि आजादी का सपना चकनाचूर ही हो जाता। ऐसे कठिन समय में अल हिलाल नाम का एक उर्दू साप्ताहिक छपने लगा। कुछ ही दिनों में साप्ताहिक ने काफी लोकप्रियता भी हासिल कर ली। इस माध्यम से लोगों को समझाया गया कि अगर स्वराज पाना है तो एक साथ जुटकर रहना होगा। बीच में दो दिलों के दीवारे, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी करते तो हमको यहाँ पे एहसास उसके जख्मों का होके अपना भी दिल भर भर लाए रोए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर अधिकार वाणी से लिखे गए इन लेखों ने मानो लोगों की आंखें खोल दी। इस छोटे से साप्ताहिक ने मानो अंग्रेजों की चाल को उलट पुलट कर रख दिया। सरकार ने 1914 में इसे बंद करवाया, तो अब अल बलाघ नाम से एक और नियत कालिक शुरू कर दिया गया। अपनी भाषा से लेखक सारे देशवासियों को भाईचारे का मतलब सिखाते थे। इन साप्ताहिकों के प्रमुख लेखक का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे चलकर मौलाना आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। और सच है दोस्तों कि पूरे देश को अपने लेखन से सीख देने वाले मौलाना आजाद के लिए शिक्षा मंत्री का पद बिल्कुल सही था। कई बार ऐसा होता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले समाज को इन अधिकारों का महत्व ही नहीं समझ में आता। आजादी पाने के लिए उसे संभालने की पात्रता पाना जरूरी है, वरना जब आजादी मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। अपने साप्ताहिकों और अन्य लेखनों से मौलाना आजाद यही सीख देने की कोशिश करते। आज ही के दिन यानी 11 नवंबर 1888 में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आजाद दुनिया भर में घूम चुके थे। टर्की, अफगानिस्तान और इजिप्ट जाकर वहां अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से वो मिल भी चुके थे। उनका ज्ञान किताबी नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजी से लेकर फारसी तक भाषाएं और तत्व ज्ञान से लेकर विज्ञान तक के विषयों में वो अव्वल थे। वो एक विद्वान तो थे ही, लेकिन एक उच्च कोटि के शिक्षक भी थे। उन्हें यूं ही मौलाना नहीं कहा जाता। अपने अनोखे सफर से जब वो भारत लौटे तो बंगाल के औरबिंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे
विद्वान स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने जल्द ही ये समझ लिया कि आजादी की जंग पूरे देश में ठीक तरीके से नहीं फैली है। बंगाल और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में बहुत कम ऐसे केंद्र थे जो मिलजुल कर अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। मौलाना आजाद ने खुद घूम घूम कर देश का सफर तय किया। मुंबई और अन्य शहरों के कई स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा करके उन्होंने कई केंद्र स्थापित किए। उन्हें पता था कि भारत के महान आकार का इस्तेमाल करके अगर सभी जगहों से एक साथ जंग लड़ी जाए तो अंग्रेजों से ये संभाला नहीं जाएगा। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। ऐ वतन 1912 और 1916 के बीच उन्होंने चलाए हुए अल हिलाल और अनबलाग इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। आखिरकार 1916 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रांची में कारावास भुगतने के बाद वो पूरे 4 साल बाद 1920 में रिहा होकर बाहर आए। लेकिन इस शेर दिल के लिए इतनी सजा काफी नहीं थी। रिहा होते ही उन्होंने भारतीय मुस्लिमों को जुटाकर खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। इसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जा किए हुए टर्की के राज को खलीफा के हाथों में वापस देने की मांग भारतीय मुस्लिमों ने की। आजादी किसी एक वंश या प्रदेश की नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया के सभी लोगों का मूलभूत अधिकार होती है। अगर दुनिया में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे सारे स्वतंत्रता संग्राम मिलजुल कर लड़े जाएं, तो जीत जरूर सरल होगी। ये महत्वाकांक्षा लेकर मौलाना आजाद ने खिलाफत का कदम उठाया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के पद चिन्हों पर खिलाफत की नींव रखी गई थी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम आजादी को पा सकते हैं, ये भावना मौलाना आजाद के मन में थी। क्या आपको पता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन था और आजाद नाम से वो उर्दू में कविताएं रचा करते थे। आजादी का असली मतलब जिसने जाना है उसे और किस नाम से पुकारा जाए। 1923 में कांग्रेस के दिल्ली सेशन के वो अध्यक्ष बने। इस तरह 35 साल की उम्र में वो अब तक के सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। इसके अलावा गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन और नमक के सत्याग्रह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1930 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 साल के लिए मेरठ जेल में उन्हें कारावास भुगतना पड़ा। 1940 से लेकर 1946 तक फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के बाद जब आखिरकार स्वतंत्रता हासिल हुई तब बंटवारे के वो बिल्कुल खिलाफ थे। दरअसल बंटवारे के खिलाफ होने वाले चुनिंदा मुस्लिम नेताओं में उनका नाम अव्वल था। आखिरकार उनका सपना था एक वैश्विक स्वतंत्रता का। देश के टुकड़े करने की एवज में आजादी पाना उन्हें कतई पसंद नहीं था। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। कल तक जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ हो, परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं,
आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं। और अगर आप मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो यह याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने को आजमाइश में डाले, कोई भी नहीं चाहता कि गमों और दुखों में अपने को डाले, लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां हमें पेश आएंगी। मर्द बनकर उन तमाम जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और उन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। अगर एक जिंदा इंसान है और उसकी रगों में गर्म और जिंदा खून दौड़ रहा है तब उसके लिए बीमारियां भी हैं, ठोकरें भी हैं, मुसीबतें भी हैं, हर तरह की परेशानियां भी हैं। तो जिंदगी का मानी यही है कि हम बोझ उठाएं और बोझ इस तरह ना उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, मर्दों की तरह हिम्मत के साथ उठाएं। स्वतंत्र भारत के मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री बने। अपने कार्यकाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव उन्होंने ही रखी थी। स्वतंत्र देश के युवक अगर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शिक्षण पाएं, तो देश की प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। ये दूरदर्शी विचार उनके ही मन के थे और इसीलिए आज का दिन हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 22 फरवरी 1958 को उनके निधन के बाद उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। देश के इस महान नेता, बुद्धिजीवी और शिक्षक को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सन 1950 में एक दिन प्रसिद्ध लेखक और कलाकार बलराज साहनी मुंबई के एक बेस्ट बस में सफर कर रहे थे। सामने चल रहा कोलाहल देखकर उन्होंने जरा ध्यान से देखा और उनकी नजर बस के कंडक्टर पर पड़ी। पतला सा सांवला सा ये युवक बस में बैठे यात्रियों का मनोरंजन कर रहा था। कभी कोई चुटकुला सुनाकर तो कभी किसी यात्री की नकल उतार कर वो पूरी बस को हंसाते हंसाते लोटपोट कर देता। बहरूपिये जैसी छवि बदलने वाला ये कंडक्टर बलराज साहनी को भी भा गया। उन्होंने तुरंत उसे अपने साथ ले जाकर महान डायरेक्टर गुरुदत्त से मिलवाया। ऑडिशन के नाम पर गुरुदत्त जी ने उस युवक को एक नशे में धुत शराबी की नकल उतारने को कहा। उस सामान्य से दिखने वाले कंडक्टर ने कुछ ऐसी अदाकारी दिखाई कि स्टूडियो में हंसी के फव्वारे छूट गए। गुरुदत्त साहब ने उनका नाम पूछा, जवाब आया बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। अपनी हंसी रोकते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, आज से तुम्हारा नाम है जॉनी वॉकर। 11 नवंबर 1926 यानी आज ही के दिन जन्मे जॉनी वॉकर शायद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध व्यंगकार होंगे। और इत्तेफाक से जिस शराबी का रोल उनसे गुरुदत्त जी ने ऑडिशन के दौरान करवाया था वो उनके सबसे प्रसिद्ध किरदारों में से एक रहा। ऑडिशन से प्रभावित होने के बाद गुरुदत्त जी ने उन्हें अपना पहला रोल दिया फिल्म बाजी में। मिस्टर जॉर्ज डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता? उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी। यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था। छोकरी? क्योंकि टेलीफोन छोकरी के हाथ में था। यस, ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना, वो किसी में नहीं। जल्द ही ये बस कंडक्टर एक लोकप्रिय कलाकार बन गया। एक व्यंगकार या कॉमेडियन के नाते जॉनी वॉकर ने जितनी लोकप्रियता पाई उतनी शायद किसी और भारतीय व्यंगकार ने नहीं पाई होगी। 50, 60 और 70 के दशकों में लगभग हर फिल्म में जॉनी वॉकर का किरदार होना जरूरी था। 1957 में तो अपने ही नाम पर बनी फिल्म जॉनी वॉकर में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की आनंद में उन्होंने अपने छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण किरदार से ये दिखा दिया कि वो सचमुच इतने अच्छे कलाकार थे कि गंभीर किरदार भी आसानी से निभा सकते थे। हम समझ गए अब्बाहू। शेखू। अब्बाहू। हम शर्मिंदा हैं
कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी सर, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे बहू। तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। 1971 में किशोर कुमार की हंगामा फिल्म में उन्होंने जो हंगामा मचाया था उसे तो सिने प्रेमी कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी 1998 में प्रदर्शित हुई कमल हसन की चाची 420। दोस्तों, आज का जमाना आइटम सॉन्ग्स का जमाना है। पुराने जमाने में ये काम व्यंगात्मक गानों का था और जॉनी वॉकर इसके सबसे लोकप्रिय अभिनेता। अनगिनत गानों में उन्होंने अपनी अदाकारी पेश की, जहां किशोर, मुकेश और रफी जैसे महान गायकों के नाम देवानंद, राज कपूर और राजेश खन्ना जैसे महान अभिनेताओं के साथ जोड़े जाते, वहां रफी की आवाज जॉनी वॉकर के साथ जुड़ गई। गरीब जान के हमको ना तुम मिटा देना, तुम्हीने दर्द दिया, तुम्हीने दर्द दिया है तुम्हें दवा देना। गरीब जान के लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्हीने दर्द दिया है तुम्हें दवा देना। गरीब जान के 1956 की फिल्म छू मंतर में 11 में से 9 गानों में जॉनी वॉकर का अभिनय था। रफी के गाए हुए जॉनी के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। छूमंतर का गोरी गोरी रात हसी ये गीत देखकर तो आप जरूर हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। 1986 में जॉनी ने अमजद खान, ऋषि कपूर और शक्ति कपूर को लेकर एक नई फिल्म बनाई जिसका निर्देशन उन्होंने ही किया था। फिल्म का नाम था पहुंचे हुए लोग। सच में जॉनी वॉकर सफलता के शिखर लांघते चले जा रहे थे। नहीं, सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शौक बचपन से बहुत जबरदस्त था फिल्म में काम करने का, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ऊंचा पहुंच जाऊंगा। मुझे खुद ताज्जुब होता है, ना कोई मेरी कोई खास एजुकेशन हुई, कुछ नहीं हुई। उसके बाद अल्लाह ने इतना नवाजा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। फार्मूले बना रखे हैं, उस पर अमल करता हूं। तो पहले मैंने डिसीजन मालूम क्या लिया है, जो दूसरा आदमी लेता है। 1966 का मेरा डिसीजन है, जब मैं बहुत टॉप में था, बहुत नाम था मेरा, बहुत इज्जत थी। उस वक्त मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने इतना नवाज दिया, कभी सोच नहीं सकते थे, कभी मैंने ख्याल तक नहीं किया था, कभी ख्वाब में भी, कि मैं मुझे इतना नवाजेगा अल्लाह। उस वजह से मगर मेरे दिमाग में ये दो बातें उस वक्त आई। क्या आई कि अल्लाह की तरफ से आदमी के लिए कोई नेमत है, सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए खुदा की तरफ से तो सिर्फ दो चीजें हैं सबसे जबरदस्त, वो दो है खुराक और नींद। जिसको अल्लाह ये टाइम से नसीब कर दे, मेरे ख्याल से उससे बढ़ के नसीबदार में दुनिया में किसी को समझता ही नहीं। जब इन्होंने सोचा तो मैंने कहा इस पे अमल करना चाहिए। रोजाना 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हैं तो फायदे का क्या है? ये तो ऊपर वाला सोचेगा इसको तो शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ गलत पार्टी को दे दिया, समझे ना। इसलिए उस दिन से मैंने ब्रेक लगा दी कि आज से 6.5 लाख रुपए घंटा दे तो काम नहीं करने का, और संडे के दिन 10 लाख रुपए दे तो काम नहीं करने का। 66 का डिसीजन मेरा दूसरा आदमी कोई ले नहीं सकता है, तो वो लिया। जब से टाइम से खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ, मजा करता हूँ, आराम से रह रहा हूँ, कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करके देख लिया है। तो पूछते हैं अभी आपको कैसा लगता है, घर में बैठे रहते हो, आपने तो काम भी बंद कर दिया है। तो मैंने कहा पहले मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि तेन सिंह हिमालय पहाड़ की चोटी पे गया, चढ़ के झंडे गाड़ के वहां छिपका हुआ है, झंडे गाड़े और आ गए, हमने भी झंडे गाड़ दिए, बैठे मजा ले रहे हैं, कौन जाता है कौन आता देख रहे हैं, मजा आता है। आज तो कुछ गया तो बता दो मुझे भाई। जॉनी की अदाकारी देखकर कई बार महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की याद आ जाती है। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में कई भूमिकाएं निभाई, लेकिन नशे में बेहोश शराबी हमेशा उनका सबसे यादगार किरदार रहेगा। लेकिन शायद उनके अभिनय की सबसे ताज्जुब बात ये होगी
कि सालों तक शराबी की भूमिका करने वाले इस महान कलाकार ने अपनी जिंदगी में एक बार भी शराब को छुआ तक नहीं। 29 जुलाई 2003 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनको भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध हास्य कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। दोस्तों, कुछ ही साल पहले प्रदर्शित हुई फिल्म इंसेप्शन तो आप सबको जरूर पसंद आई होगी। प्रसिद्ध निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की बनाई हुई इस फिल्म ने लोकप्रियता के सारे शिखर पार कर लिए थे। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभिनेता लियोनार्डो डी कैप्रियो का आज जन्मदिन है। I am the most skilled extractor. I know how to search your mind and find your secrets. I know the tricks and I can teach them to you so that even when you're asleep, your defense is never down. Look, if you want my help, you're going to have to be completely open with me. I need to know my way around your thoughts better than your wife, better than your therapist, better than anyone. 11 नवंबर 1974 को कैलिफोर्निया में जन्मे लियोनार्डो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। एक सामान्य से घर में जन्मे इस कलाकार की जिंदगी आज पूरी तरह से असामान्य है, लेकिन हर महान व्यक्ति को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही पड़ती है। जब किसी सफल इंसान की कहानी हम सुनते हैं तो हमें उनकी जिंदगी में आई मुश्किलों का एहसास नहीं होता, हमें दिखती है बस आज उनके कदम चूमने वाली सफलता। लेकिन इस सफलता तक पहुंचने के लिए जिस मेहनत, जिद और लगन से उन्होंने सालों तक कोशिश की है, उसे हम शायद अनदेखा कर देते हैं। ऐसी चीज खासकर होती है अभिनेताओं के साथ। कई बार तो हमें लगता है कि अभिनय कोई मुश्किल काम नहीं, दिए हुए वाक्य रटकर कैमरे के सामने बोलने में कितनी मेहनत लगेगी, लेकिन ये बात सच्चाई से कितनी दूर है हम और आप नहीं समझ पाते। उदाहरण के तौर पर देखिए, अपनी फिल्मों के लिए लियोनार्डो डी कैप्रियो के द्वारा की हुई मेहनत उनके अभिनय से साफ नजर आती है। अनगिनत फिल्मों में अनगिनत किरदार, उनके बोलने चलने का तरीका, बर्ताव का ढंग, इन सब चीजों का इतनी गहराई से निरीक्षण उनके अभिनय में नजर आता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। खासकर ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्रण में तो उनकी निपुणता और अभ्यास साफ दिखाई देते हैं। इसके अलावा ब्लड डायमंड में अफ्रीका में हीरो की खानों में होने वाले अत्याचारों में फंसे एक सैनिक की भूमिका लियो ने इतनी सुंदरता से निभाई है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। Take it, Mr. Archer. Take it. This is Maddie's card, huh? You call her when you get to Conakry, all right? And don't trust that pilot for a second. You point this at his head if he fucks around, all right? I can't carry you. Go! FBI के पूर्व अध्यक्ष जे एडगर हूवर पर बनाई हुई फिल्म जे एडगर में उनका किरदार निभाने के लिए लियोनार्डो ने महीनों तक उनके व्यक्तित्व का अभ्यास किया था। इसके अलावा द एविएटर में प्रसिद्ध अमेरिकन उद्योगपति हावर्ड ह्यूज का विलक्षण चरित्र, लेकिन शायद उनकी सबसे यादगार फिल्म रही होगी टाइटैनिक, जिसमें वो केट विंसलेट के साथ जहाज टाइटैनिक पर घटी एक सुंदर प्रेम कथा की कहानी सुनाते हैं। And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that I'm on God's good humor. And how is it you have means to travel? I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson? Got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's going to happen or who I'm going to meet, where I'm going to wind up. Just the other night I was sleeping under a bridge and now
Here I am, on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. I'll take some of that. महान निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की कैच मी इफ यू कैन में लियोनार्डो ने ये दिखा दिया कि विनोदी भूमिकाओं में भी वो उतने ही माहिर हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई महान निर्देशकों के साथ काम किया। इस सूची में स्टीवन स्पीलबर्ग के अलावा जेंगो अनचेंड के क्विंटिन टेरेंटिनो, टाइटैनिक के जेम्स कैमरन और द डिपार्टेड के उनके पसंदीदा निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी शामिल है। क्या आपको पता है कि लॉस एंजलिस की एक गरीब बस्ती में अपना बचपन गुजारने वाले लियोनार्डो ने काफी छोटी उम्र से अभिनय की शुरुआत की थी। अपने अभिनय के प्रेम के बारे में वो कहते हैं कि मुझे लोगों की नकल उतारना बहुत पसंद था। बचपन में मैं कई बार लोगों की नकल उतार कर तो कभी अपने अभिनय से काल्पनिक पात्रों का निर्माण करके अपने माता पिता का मनोरंजन किया करता था। बचपन का ये हंसी मजाक आगे चलकर लियोनार्डो की आजीविका बन जाएगी, ये शायद उन्हें भी पता नहीं था। पेरेंटहुड नाम के प्रसिद्ध धारावाहिक में उन्हें एक किरदार मिला। मजेदार बात यह है कि बचपन में उनके एजेंट ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अपना नाम बदलकर लेनी विलियम्स रख लें, क्योंकि लियोनार्डो डिकैप्रियो नाम बोलने में काफी मुश्किल है। लेकिन आज लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम सबके होंठों पर है। 1991 में क्रिटर्स 3 नाम की छोटी सी हॉरर फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लेकिन केवल 2 सालों बाद अपने प्रेरणा स्रोत रॉबर्ट डी नीरो के साथ दिस बॉयज लाइफ में काम करके उन्होंने अपने आगमन की शुरुआत की। उसी साल प्रदर्शित हुई फिल्म व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट क्रेप में उनके अभिनय ने उनको ऑस्कर नामांकन दे दिया। आज भी वो ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के कलाकारों में से एक हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी में इतना नाम, पैसा और शोहरत कमाने के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण बातें लियोनार्डो नहीं भूले हैं। कई सालों से वो पर्यावरण रक्षा के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। शेर तथा अन्य विलुप्त होने की कगार पर खड़े प्राणियों की रक्षा के लिए वो हमेशा खुले हाथ से मदद प्रदान करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रचार करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि आखिर धरती की रक्षा में ही मानव जाति की जीत है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल और ग्लोबल ग्रीन जैसी संस्थाओं के वो सदस्य रह चुके हैं। सच में इस महान कलाकार ने ये दिखा दिया है कि एक सफल और परिपक्व जीवन कैसे जिया जाए। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से लियोनार्डो डी कैप्रियो को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों, अनुमति दीजिए अपने दोस्त संदीप भट्ट को इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा परछाई सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,